हैं टेबल रॉक माउंटेन पे, और यहाँ से हॉर्श वाटरफॉल से बोलते हैं उसका प्रॉपर व्यू आता है, टॉप व्यू। जो कल हम बोट से गए थे वहाँ पर वो ठीक इस जगह पर नीचे हमें ले जाते हैं, और अगर आपको ऊपर से व्यू देखना है तो आपको इस जगह पर आना पड़ता है। और यहाँ से बोट भी देख सकते हो राइट, यहाँ से इनफैक्ट आपको बोट्स भी आती हुई दिखेंगी। आपको बोट्स दूसरे साइड से लेनी होती हैं, और वो बोट्स फिर यहाँ तक आती हैं और फिर यहाँ से घूम के वापस जाती हैं। वो रही बोट, वो यूएस की है, वो यूएस की बोट है राइट, बिकॉज जो ब्लू रेनकोट्स में देखेंगे लोग वो यूएस साइड से आते हैं, और अगर जो रेड कलर के आपको लोग दिखेंगे रेड कलर के रेनकोट में वो यहाँ से आते हैं। एक ये वाटरफॉल है और एक वाला वाटरफॉल है, वो वाला छोटा है और सबसे बड़ा मेन जिसे बोलते हैं वो ये है। और यूएस साइड से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उस जगह पर आपको कुछ लोग दिखेंगे, तो यूएस साइड से अगर कोई नायग्रा फॉल आता है तो उनको साइड व्यू दिखता है पूरा वाटरफॉल का। नायग्रा फॉल ऑन द कैनेडियन साइड से अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट व्यू मिलता है वाटरफॉल का, यूएस साइड से उतना अच्छा नहीं मिलता है। मिस्ट इतनी अच्छी होती है यहाँ पर, पूरा मिस्टी हो रखा है और ठंडी हवा चल रही है मिस्ट की वजह से, तो सनी डे है बट फिर भी अराउंड 27 डिग्रीज है यार, उसके बाद भी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है बिकॉज ये मिस्ट है, इस वजह से थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा कोल्ड है प्लस मॉइस्ट है। जा रहे हैं नाइग्रा फॉल से अब NOTL की तरफ, जिसे बोलते हैं नाइग्रा ऑन द लेक। ये एक विलेज है छोटा सा और काफ़ी कलरफुल विलेज है, और यहाँ पर बेकरीज वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऐसा बोला जाता है कि नाइग्रा ऑन द लेक में क्वीन स्ट्रीट पर बहुत सारी बेकरी शॉप्स हैं, तो आप जैसे ही स्ट्रीट में एंटर करते हो आपको केक्स वगैरह की स्मेल आने लगती है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आना जाता है कि अगर आप वहाँ जाकर केक्स वगैरह ट्राई करते हो। तो NOTL जब आप जाते हो तो उसका जर्नी बहुत ज़्यादा सीनिक है। आपको ओपन में अभी जस्ट हम लोग आ रहे थे तो ओपन गोल्फ कोर्स था, साइड में बहुत ही बड़ा गोल्फ कोर्स था, वहाँ पर लोग गोल्फ खेल रहे थे, और आप जाओगे तो आपको साइड में फ्लावर्स वगैरह प्रॉपर दिखेंगे, बोटानिकल गार्डन भी इनफैक्ट यहाँ पर पीछे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से, प्लस मंडे भी है तो टूरिस्ट वगैरह थोड़े से कम है यहाँ पर, कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन NOTL में और कम भीड़ होगी बिकॉज कम लोग जाते हैं NOTL, ज़्यादातर लोग अगर टेबल टॉप और ये नाइग्रा फॉल वगैरह घूम कर वापस चले जाते हैं बिकॉज मेन अट्रैक्शन वहाँ पर है। बट ऐसा बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो NOTL भी एक बार आप विजिट करो बिकॉज छोटा सा सिग्निफिकेंस भी है उसकी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वगैरह है वहाँ पे, एक बैटल लड़ी गई थी पास्ट में। अच्छा, तो उसका भी, हाँ उसका भी म्यूजियम टाइप बना रखा है उन्होंने, और एक फोर्ट है वहाँ पे काफ़ी सुंदर, फोर्ट जॉर्ज है नाम है उसका, अभी जाके देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं उसको। राइट, एंड वहाँ पर ऐसा भी पढ़ रहे थे हम लोग तो वहाँ पर वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट चर्च चैपल कैपेसिटी है 6 पीपल, ओनली 6 पीपल कैन सिट इनसाइड, उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, छोटा सा चैपल है, 6 व्हिच कैन अकोमोडेट ओनली 6 पीपल। सो इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो हम लोग जा रहे हैं भी वहीं पर, और दो तीन और अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर छोटे छोटे बेकरी शॉप्स, देखते हैं गर्मी में क्या कवर हो पाता है क्या नहीं, बिकॉज हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। ये नाइग्रा फॉल से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स दूर है, एंड वही आधा घंटा करीब लगने वाला है हमें जाने में, तो देखते हैं। बट ये जर्नी बहुत ज़्यादा सीनिक है, डैम है ये, यहाँ पर लेफ्ट में डैम है, ये पूरा वही वाटर सोर्स है जो आ रहा है राइट, और यहाँ पर आई थिंक ये राइट साइड में यूएस है, ये भी एक ब्रिज है, ट्रक वाले ट्रक वाले, तो नॉर्मल अगर आप
प्राइवेट व्हीकल से अगर आप यूएस मतलब बॉर्डर पर्सन करके जाना चाहते हैं कनाडा से यूएस, तो आप वो वाले ब्रिज से जाओगे जो नाइग्रा फॉल्स की तरफ। दो हैं, दो या तीन, मतलब टोटल चार ब्रिज, चार ब्रिज हैं। ये वाला जो ब्रिज है जहाँ पर ट्रक लाइन से लगे वो बेसिकली ट्रेड रूट होगा, ट्रेड रूट है। यहाँ पर जितने भी ट्रक्स कंसाइनमेंट वगैरह लेकर जाते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये वाला ब्रिज यूज़ होता है, बिकॉज अगर ये नॉर्मल रूट से भेज देंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से ब्रिज बना रखे। तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी इनफैक्ट ट्रक्स की यूएस एंटर होने के लिए। रास्ते में जा रहे थे तो फिर एक हमें एक साइन बोर्ड दिखा सीनिक लुकआउट, जस्ट एक गेट छोटा सा क्विक स्टॉप है बीच में बना रखे है, अगर आप रुक कर देखना चाहते हो तो यहाँ से प्रॉपर जो नाइग्रा फॉल का जो पानी आ रहा है सारा वाटर पूरा वो यहाँ से आगे जाता है, तो ये यहाँ से सीनिक ब्यूटी अगर आपको इन्जॉय करनी है तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। तो अभी हम लोगों ने पहला स्टॉप लिया है वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट चैपल में। जैसा अभी हमने बताया था कि यहाँ पर मैक्सिमम 6 लोग एक बार में अंदर बैठ सकते हैं, इतनी ही कैपेसिटी है इसकी। तो जब आप जाते हो नाइग्रा ऑन द लेक तो बीच में ही पड़ता है, तो अभी जस्ट वहाँ पे जाते हैं, अभी हम देखते हैं ये है कैसा इनफैक्ट अंदर से। ये वॉकर्स कंट्री मार्केट है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरीज, स्वीट चेरीज, रेसबेरीज वगैरह आपको आप परचेस कर सकते हो यहाँ से सब चीज़ें। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, फ्रेश सैंडविचेस अगर आपको पिक करने हैं, फ्रूट्स वगैरह तो और भी हैं यहाँ पर। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट चैपल। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो शुगर मिलाते हैं, तभी शुगर मेंशन किया है हनी में। इट्स गुड दैट दे आर ऑनेस्ट। यस, लेकिन इंडिया के हनी में ये नहीं मेंशन होता है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। यहाँ पर हैंडमेड पाई मिल जाएंगे खाने को, वॉलनट, एप्पल, और अभी हम लोगों ने यहाँ से चेरीज पिक करी हैं। एंड ये बियर है, ये वो है कम्बुचा, कम्बुचा, कम्बुचा है। क्या है ये कम्बुचा? कम्बुचा जो उधर लाए थे। अच्छा, कम्बुचा, कम्बुचा लोकल ड्रिंक, वाटरमेलन, वाटरमेलन। ये और भी जगह, ये इंडिया में नहीं है ये स्पेशल, ये फ्रूट होता है, इट्स गुड, मतलब प्रोबायोटिक रहता है, डाइजेशन के लिए गुड। वाटरमेलन, वाटरमेलन फ्लेवर में और एक कुछ और फ्लेवर है। अच्छा, और ये हमने स्ट्रॉबेरीज लिए हैं यहाँ पर।
तो अभी हम आए हैं NOTL Niagara on the Lakes और आप हमारे पीछे व्यू देख सकते हैं, कितना ऑसम व्यू है, प्लस कितना ऑसम वेदर भी है. लुक एट द व्यू. वन थिंग दैट यू कैन नॉट मिस व्हेन यू आर इन Niagara on the Lakes, इट्स द ओल्डेस्ट बेकरी शॉप, बुडापेस्ट बेकरी शॉप. लेट्स चेक इट आउट. Here we have a variety of chimneys, coconut, squad coffee, raspberry cheesecake, Oreo cheesecake, Nutland walnut. Hi guys, how are you? Yeah. Which one did you order? We have ordered Nutland walnuts. Skin and little pickles. So we have ordered Nutland walnuts. And the flour which they have used, it's not made of any maida or wheat. It's made up of yeast. Yes. Yes, And you have breadsticks over there, right? Yeah. Use olive oil for salad, shoot things like that? I have bread with feta cheese. Oh yeah, yeah. Do you like to bread? Yes. Yeah, me too. Can I give you a sample of the one I use? Sure. Not also. The bread is very good. देखा था कि अभी कुछ लोग कैरेज राइड ले रहे थे, तो हम वही पता करने जा रहे हैं. वैसे तो हमें किसी ने बताया कि हमें यहाँ से स्ट्रेट जाना है, तो वहाँ कोई पैलेस है वहाँ पे बुक कर सकते हैं, हम वहीं जा रहे हैं. लेट्स सी इफ वी कैन बुक आवर कैरेज राइड, बिकॉज मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन है. देखते हैं हम क्या करते हैं. सो इज दिस द कैरेज दैट वी आर गोइंग टू बोर्ड? दिस इज आवर राइड फॉर टुडे. He is our partner. Hi. Hi. What's his name? Tom. Tom. Hi, Tom. Please be careful, huh? Are you guys the 15-minute reservation? Yeah. Very beautiful house. Pardon? Very good of you. Yeah, right. Can I touch? Yeah, go ahead. Make reservation for this ride only. Yeah. Are you the? Yep. Okay, perfect. Yeah. So we can directly walk in and yeah. Make reservation. Well, we can also. Yeah, you guys have a reservation for now, right? Yeah, yeah. I can give you a card after if you want to book another time as well. Yeah. You guys can hop on when you're on. Sure, sure. Thank you.
इंडिया में कुछ कुछ सिटीज़ में आइकिया आ चुका है, तो हम अब अंदर जाके कुछ विंडो शॉपिंग करेंगे, कुछ शॉपिंग भी करेंगे और लेट्स सी इनसाइड।